दोस्तों, एजुकेशन एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में, राइट। तो बेसिकली किसी भी प्लास्टिक के कंपोनेंट के प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि वो परचेस हो सके, बिक सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन आता है हाउ, भाई प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे हम लोग इंक्रीज करें या फिर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है, राइट। चलिए, तो मोल्डिंग डिफेक्ट टू बी एनालिसिस, कौन कौन से मोल्डिंग डिफेक्ट हैं जो हमको एनालिसिस करने होते हैं जब भी हम लोग किसी मोल्डिंग प्रोसेस को करने वाले होते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे होते हैं मोल्ड के लिए, राइट। तो सबसे पहले वेल्ड लाइन है, जैसे एयर ट्रैप्ड है, वॉर पेच है या फिर सिंक मार्क है। तो ये कुछ मेजर डिफेक्ट हो सकते हैं किसी प्लास्टिक कंपोनेंट के अंदर जिसको हमको एनालिसिस करना जरूरी है और प्रिडिक्ट करना जरूरी है कि भाई ये कितना हो सकता है या फिर इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा किसी कंपोनेंट के अपीयरेंस के ऊपर, राइट, और उसकी क्वालिटी के ऊपर, राइट। ठीक है, तो अगर आपको डिटेल में मोल्डिंग डिफेक्ट और उसके सॉल्यूशन के बारे में जानना है तो लेक्चर नंबर 17 मोल्ड डिजाइन कोर्स के अंदर आप इसको देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, साथ में आपको आई बटन के ऊपर इसका लिंक आपको मिल जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चार हमारे पास डिफेक्ट हैं जिसके सॉल्यूशन हमको देखना है, जिसके अंदर वेल्ड लाइन, एयर ट्रैप्ड, वॉर्प पेच और सिंक मार्क रहेगा। अगर वेल्ड लाइन की बात करूं तो वेल्ड लाइन को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं रनर को या फिर गेट को रीडिजाइन कर, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। एयर ट्रैप्ड अगर हो जाती है तो वॉइड्स क्रिएट होते हैं, तो उस वॉइड्स को, डिफेक्ट को हम लोग कम कर सकते हैं एयर वेंट को डिजाइन करके ताकि एयर एस्केप हो सके, राइट। ये वॉर्पेज मतलब कंपोनेंट का मुड़ जाना या फिर उसका श्रिंकेज के कारण कंपोनेंट के अंदर कुछ डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो कंपोनेंट को रीडिजाइन कर सकते हैं, है ना। रिब और गसेट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वॉर्पेज डिफेक्ट को हम लोग रिड्यूस कर सकें। ओके, उसके बाद है सिंक मार्क। सिंक मार्क के लिए सॉल्यूशन हो सकता है कि भाई जो भी प्लास्टिक का मटेरियल हम लोग चूज करते हैं वो लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर होना चाहिए उसका। प्लस आप बोल सकते हो कि भाई जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसको लोअर विस्कोसिटी मटेरियल के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो, राइट। तो ये चार तरह के डिफेक्ट हैं जिससे आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छे से इंक्रीज कर सकते हो अगर इन डिफेक्ट को आपने रिड्यूस कर दिया। मैं ये नहीं बोलता कि भाई पूरी तरह से आप इसको हटा दोगे, लेकिन हाँ रिड्यूस करना पॉसिबल है, राइट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक पार्ट है, ठीक है। तो उस पार्ट को देखते हैं और इस कंपोनेंट के ऊपर हम लोग कुछ एनालिसिस करके देखेंगे और किस तरह से उसका वो जो डिफेक्ट है वो रिड्यूस हो सकते हैं, उस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो ये हम लोग सॉफ्टवेयर में आ गए और सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोगों ने पहले से कुछ एनालिसिस करके रखा हुआ है, राइट। तो हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि भाई इसके अंदर सबसे पहला जो एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को सिंगल कैविटी क्रिएट करना है, राइट। डबल कैविटी भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फील जो पॉइंट होगा वो ये वाला, राइट। मतलब यहां से हम लोग इसके अंदर फील करने वाले हैं। इसका फील टाइम अगर मैं चेक करूँ कि फील टाइम कितना लगेगा, तो फील टाइम में रिजल्ट में देख सकता हूँ मैं कि भाई इसके अंदर फील टाइम कितना लग रहा है। इसके अंदर लग रहा है 0.8716 सेकेंड का टाइम लगेगा इसको कंप्लीट फील होने के लिए, राइट। ठीक है, और इसके प्लास्टिक के फ्लो को अगर मैं समझना चाहूँ कि भाई प्लास्टिक का फ्लो किस तरह से रहेगा, सी हियर, इस तरह से इसका कुछ प्लास्टिक का फ्लो रहेगा। मतलब जो एंड वाला सेक्शन रहेगा वो ये वाला रहेगा, राइट। मतलब जहां पर कंपोन जो मटेरियल है वो सबसे लास्ट में फील होने वाला है वो यहाँ पर होने वाला है, राइट। अच्छा, कॉन्फिडेंस ऑफ फील देखेंगे तो भाई पूरी तरह से 100% है, मतलब पूरी तरह से कंपोनेंट फील हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ना क्वालिटी प्रेडिक्शन देखेंगे, भाई क्वालिटी किस किस तरह रहेगी। देखो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ आपको येलो निशान बता रहा है इसी, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बैक में जाता हूँ और यहाँ पर आपको कुछ येलो निशान शो कर रहा है। तो बेसिकली ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर वॉल थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है और वॉल थिकनेस ज्यादा होने के कारण यहाँ पर सिंक मार्क प्रोड्यूस हो सकते हैं, राइट। तो ये जो येलो मार्क दिख रहा है यहाँ पर क्वालिटी मीडियम टाइप की रहेगी, मतलब हो सकता है कि यहाँ पर क्वालिटी आपको अच्छी ना मिले, राइट। ठीक है, तो उसका कारण भी है कि यहाँ पर वॉल थिकनेस ज्यादा, तो यहाँ पर सिंक मार्क प्रोड्यूस हो सकते हैं। देखो जरा, अब यहाँ पर मैं एयर ट्रैप्ड देखता हूँ सबसे पहले, ठीक है। एयर ट्रैप्ड कहाँ कहाँ पर हो सकती है, देखो कंपोनेंट का वॉल थिकनेस है तो 1.5 या 2 mm का वॉल थिकनेस है इसका, राइट। तो इसके अंदर एयर ट्रैप्ड होने की संभावना है वो सभी एजेस पर है। देखो सभी जितने भी आपको एजेस दिख रहे हैं या फिर एंड पॉइंट नजर आ रहे हैं वहां पर इसके एयर ट्रैप्ड होने के चांसेस है, राइट। तो जहां पर भी एज आपको दिख रही है वहां से आपको एयरवेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, सी हियर, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर एयरवेंट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब वेल्ड लाइन की बात करता हूँ, देखो तो वेल्ड लाइन कहाँ प्रोड्यूस हो सकती है, देखो वेल्ड लाइन प्रोड्यूस हो सकती है यहाँ पर, यहाँ पर वेल्ड लाइन प्रोड्यूस हो सकती है एंड मेजर और कोई वेल्ड लाइन प्रोड्यूस नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही कम वेल्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, ठीक है। तो बहुत ही कम वेल्ड लाइन, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। सिंक मार्क इसके अंदर देखेंगे भाई कहाँ पर सिंक मार्क प्रोड्यूस हो सकता है, सी हियर,
यहाँ पर पूरा कंपोनेंट आपको ब्लू नजर आ रहा है, इज इट क्लियर? यहाँ पर देखो, और यहाँ पर सिंक मार्क प्रोड्यूस हो सकता है, यहाँ पर ग्रीन और येलो में आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 0.017 मतलब 100 माइक्रोन या फिर 200 माइक्रोन का सिंक मार्क प्रोड्यूस हो सकता है, या फिर ये इतना आपको थोड़ा सा सिंक मार्क के अंदर गहराई मिलेगी, आप ये बोल सकते हो, राइट? ठीक है, अगर थोड़ा शेड में देखोगे तो आपको रियलिस्टिक नजर आएगा कि भाई सिंक मार्क से कहाँ पर सिंक मार्क देखो दिखेगा लाइक दिस, ठीक है? तो बहुत ही कम सिंक मार्क है इस कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है? तो इसकी क्वालिटी ओवरऑल जो है बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, राइट? अब देखो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कूलिंग का टाइम, है ना, कूलिंग का टाइम कितना रहेगा। आप बोल सकते हो देखो कूलिंग टाइम वेरियंस में यहाँ पर 6.5 सेकंड का टाइम है ना। कूलिंग की क्वालिटी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हाई क्वालिटी है, ठीक है? 97.8% आपका कंपोनेंट पूरी तरह से कूल हो जाएगा। सिर्फ जो थोड़ा सा चांसेस है कि जहां पर कूल नहीं होगा वो ये वाला पोर्शन हो सकता है, और एक ये वाला जो हम पर सिंक मार्क प्रोड्यूस हो रहे हैं एक वो वाला पोर्शन हो सकता है, लेकिन बाकी क्वालिटी टाइम को अगर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो ये अच्छे से काम करेगा, राइट? और लास्ट जो मैंने आपको बताया था वो है वॉरपेज डिफेक्ट। वॉरपेज डिफेक्ट मतलब कंपोनेंट का मुड़ जाना, है ना? जैसा मैंने आपको बताया कंपोनेंट का मुड़ जाना, तो वॉरपेज अगर आप देखोगे तो कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, देखो भाई यहाँ पर हाई वॉरपेज कहाँ पर मिल रहा है आपको, कहीं पर नहीं मिल रहा हाई वॉरपेज। चलो यहाँ पर डिफ्लेक्शन में जाएंगे हम लोग, और इसके डिफ्लेक्शन में देखेंगे कि देखो जरा, ठीक है, वॉरपेज होने की संभावना कहाँ पर है। सी हियर, यहाँ पर ये ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम वॉरपेज होगा, राइट? और यहाँ पर जो एजेस वाला पोर्शन दिख रहा है यहाँ पर वॉरपेज होगा। बाकी अगर कंपोनेंट के ये ऊपर वाले एरिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी वॉरपेज नहीं मिलेगा, राइट? ठीक है, अगर यहाँ पर मैं देखो जरा 1 मिनट, सी हियर, राइट? यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉरपेज डिफेक्ट आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, बेसिकली श्रिंकेज डिफेक्ट आप बोल सकते हो, राइट? देखो जरा इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, और इसको चला के देखते हैं। देखो यहाँ पर देख रहा है आप, यहाँ पर वॉरपेज डिफेक्ट आएगा, ठीक है, डायमेंशन में इनएक्यूरेसी आएगी या फिर डायमेंशन में कमी आएगी, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सी हियर, क्यों? क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये फीचर जो है ये इससे अलग है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ये प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? और ओवरऑल यूनिफॉर्म श्रिंकेज हम लोगों ने इसके अंदर प्रोवाइड किया है, तो यूनिफॉर्मली ये अंदर की तरफ श्रिंक होगा, मतलब इनर साइड पे श्रिंक होने वाला है, सी हियर, ठीक है? अगेन एक और बार देखते हैं, सी हियर, सी लाइक दिस, ठीक है? तो इस तरह से ये कुछ डिफेक्ट प्रिडिक्शन करके हमको डीएफएम रिपोर्ट में कस्टमर को जरूर शो करना होता है कि भाई कौन कौन से डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं और उसके सॉल्यूशन के हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी सिंपल सा कंपोनेंट है, इसी तरह से अगर कोई ऑटोमोबाइल का कंपोनेंट रहेगा, कोई बड़ा कंपोनेंट रहेगा, तो उसके अंदर इस तरह का प्रोडिक्शन या फिर एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, राइट? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।